हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपराध टैग में। हाँ दोस्तों, ये लाइन थोड़ा बोल बोल के मैं भी थोड़ा बोर हो गया। बहुत जल्द इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा अपडेट करेंगे, कोई बात नहीं। और मैं भी हर बार आप लोग से कमेंट करता हूँ कि मैं रेगुलर आऊँगा आऊँगा, लेकिन आ नहीं पाता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी भी कोशिश जारी है। और आप भी थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट प्यार बना के रखे, इसी तरह जिस तरह अभी तक आपने बना के रखे है। बहुत जल्द हो सके तो आ जाऊँगा। खैर चलो, हो गए फालतू बातें, अब करते हैं काम की बातें। फिर आज आ गए हो तो वीडियो बना रहे हो, तो क्यों ना थोड़ी सी काम की बात हो जाए। तो दोस्तों, आज एक फ़ोन की थोड़ी सी स्पेक्स बाहर आई है, तो सोचा हूँ आपके लिए एक वीडियो में बना दूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपडेट देने वाला हूँ आज आपको वीवो Y77 की तरफ से, जो कि 7 तारीख को उसकी लॉन्चिंग होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो में। बहुत छोटी सी वीडियो है, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन और क्या है इसका प्राइस और कब तक ये लॉन्च हो रहा है और मे भी शायद इंडिया में लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ पे बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर पहली बार आया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छा लड़का हूँ, वीडियो वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम यहाँ पे वीवो Y77 के बारे में, जो दोस्तों बहुत जल्दी यानी कि 7 तारीख को लगभग लॉन्च हो जाएगा। अब ये ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होगा या बाहर लॉन्च होगा वो गारंटी नहीं है, बट आपको 7 तारीख के बाद जो भी अपडेट इस फ़ोन के बारे में मालूम पड़ेगा, एकदम क्लियर मालूम पड़ेगा और 100% सही मालूम पड़ेगा। और मैं जो अभी बता रहा हूँ ये एक लीक है, लीक के वजह से जो भी प्राइस वगैरह स्पेसिफिकेशन वगैरह आया है ये सब एक लीक के बेस पे है। तो आइए बात करते हैं क्या है लीक और क्या है स्पेसिफिकेशन, क्या है प्राइस। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आप सभी को पता है मैं हमेशा से स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ डिस्प्ले से, तो आज भी मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले ही देखूँगा। तो यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है 6.58 इंच का यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, जो कि डिस्प्ले है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो कि HD फुल डिस्प्ले है यानी कि AMOLED वगैरह नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे 60 हर्ट्ज आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि आप समझ सकते हो फ़ोन कितना बेसिक है। मतलब इसकी प्राइस भी बेसिक होने वाली है और इसकी हर चीज़ यानी कि आगे आगे का भी स्पेसिफिकेशन बेसिक ही होगा। तो आइए देखते हैं और क्या है बेसिक। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेसर निकल कर आ रहा है वो है Dimensity का 810 का प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 5G चिपसेट है, यानी कि ये फ़ोन आपको 5G देखने के लिए मिल रहा है। और इस प्राइस में जो अगर जो हिसाब से हम लोग प्राइस सोच के रखे अगर उस प्राइस में आता है तो ये 5G के लिए एक थोड़ा सा अच्छा फ़ोन हो सकता है, क्योंकि कम बजट में मेरे ख्याल से 5G यही होगा सबसे अच्छा। तो आइए देखते हैं क्या है इसका और कैमरा वगैरह में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों बात करेंगे कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ऑटो फोकस होगा, और साथ ही साथ आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि पीछे के साइड में आपको 2 कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट लाइक आप कह सकते हो आईफोन जो 11 प्रो जो है उसके जैसा, मतलब आगे ऊपर नीचे जो देख सकते हो, मैं फ़ोटो दिखा दिया इस टाइप के हो सके तो इसका कैमरा होगा। तो मतलब हूबहू नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट शायद से इस तरह का कैमरा हो सकता है। और दोस्तों बात करेंगे इसके बाद स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा 8 GB तक का रैम और 256 GB तक का स्टोरेज, और उसमें भी आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो 1 TB तक। तो जाहिर सी बात है अगर आपको स्टोरेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो आप उसके लिए 1 TB का SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हो ताकि आपका काम इजी हो जाए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बैटरी के बारे में। तो दोस्तों बैटरी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 5000 mAh का आपको बैटरी देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब एक बस एक लीक है, और एक्चुअल हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है मे बी लॉन्च के बाद 7 तारीख के बाद हमें मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों 7 तारीख के बाद भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो लेकर आने का, तो साथ में बने रहना, चैनल पे बने रहना, तो ज़रूर से मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग होना चाहिए 12 से लेकर 15 के बीच में। इसका एक बेसिक मोबाइल जो होता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज उस फ़ोन का मैं प्राइस बता रहा हूँ, तो
उसके लिए ये प्राइस 13 से लेके, नहीं, 12 से लेके 15 के बीच में बहुत हो गया। तो देखते हैं 7 तारीख के बाद क्या होता है, ये इंडिया में आता है या फिर बाहर ही तक रह जाता है, तो ये सब देखना रहेगा। 7 तारीख के बाद हो सके तो एक वीडियो में और बनाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह प्यार देते रहिए और चैनल पे बने रहिए और वेट कीजिए, मैं फिर से हो सके तो एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों जब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे अबला टेक, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।